एनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। पंजाब में आपने सुना है पिछले दो दिनों से निरंतर बारिश हो रही है, सिर्फ पंजाब में नहीं हिमाचल में भी हो रही है, और हिमाचल का सारा पानी आ कहाँ रहा है, भाखड़ा में या फिर घग्गर नदी में या फिर अम्बालक पार टांगरी नदी है उसमें, और इस बारिश के पानी ने किस तरह से तबाही मचाई है वो आप लोग अखबार में, न्यूज़ में सब जगह पढ़ ही रहे हैं। पर आज मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इस दो दिन की बरसात में कई बिल्डर आ गए हैं अपनी औकात में। आप देख रहे हैं कि बारिश के पानी में कई जगह आपको कहीं पुराने घर टूटते हुए दिख रहे हैं, कहीं पूरी पूरी बिल्डिंग धंसती हुई दिख रही है। इतना विध्वंसकारी रूप जो आज हम देख रहे हैं, अफसोस होता है कि ये चीज़ें प्रशासनिक अधिकारी नहीं देख रहे, ये MC के अफसर नहीं देख रहे, मोहाली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसके अधिकारी इन सब चीज़ों को नहीं देख रहे। उसका कारण है कि आज भी नदियों के किनारे, नदियों के तट पे जो ज़मीनें सरकार ने पिछले कई सालों से, क्योंकि ये बारिश बहुत सालों बाद, कई लोग तो कहते हैं कि हमने अपने 30-40 साल के जीवन में इतनी बारिश पहली बार देखी है। हम किसी बिल्डर का नाम नहीं ले सकते हैं, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारियों का भी नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कौन सा अधिकारी आज है, कौन चला जाएगा, लेकिन सिस्टम कितना हमारा सड़ चुका है, इस भ्रष्ट सिस्टम का कोई इलाज नहीं है। हमारे वीडियो के मार्फत जहाँ जहाँ तक आप इस तरह के वीडियोज़ को पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए, और जितना हो सके जो अफेक्टेड लोग हैं, क्योंकि हर आदमी कंप्लेन नहीं कर सकता, कंप्लेन वही कर सकता है जो उससे प्रभावित है, वो लोग अपनी प्रॉपर कंप्लेन करें और सरकार से मुआवजा मांगें। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कई नदियों के तटों पर जहां पिछले कई सालों से बारिश नहीं होने की वजह से खेती अलाउड थी कि ठीक है, और वो ज़मीनें भी बाकायदा पट्टों में चढ़ी हुई हैं किसानों के नाम पर, लेकिन जब नदियों का उफान आया करता था, मैं जानता हूँ यूपी में, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ नदी के किनारे की ज़मीन की वैल्यू बहुत कम होती थी, और जो नदी से दूर होती हैं ज़मीनें, नॉर्मल जो खेत होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी, क्योंकि नदी के किनारे खरबूजा खीरा इसी टाइप की चीज़ें उगाई जाती थी, असली खेती नदी के दूर हुआ करती थी। और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो जो रेतीली ज़मीन होती है उसके ऊपर कभी कोई रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट आएगा। आज आप जाइए घग्गर नदी के आसपास, आप देखिए बीसियों ऐसे रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट अप्रूव होकर के बिल्डिंगें बन रही हैं, खड़ी हो रही हैं, और शर्म नहीं आती उन लोगों को जो अपने मात्र थोड़े से फ़ायदे के लिए गरीब आदमी को, साधारण आदमी को, एक आम आदमी को ऐसा भ्रमित करके प्रॉपर्टी बेच रहे हैं कि उस भ्रमित में इस तरह की परिस्थितियों में वो घर डूब गए, वहाँ पानी भर गया, वहाँ सब चीज़ें तबाह हो गई, और इतनी बड़ी तबाही हुई है, उस तबाही की याद से रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये प्रॉपर्टियाँ बेच रहे हैं वो तो चंडीगढ़ में, पंचकुला में अच्छी आलोशान कोठियों में रहते हैं, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी गरीब आदमी का घर गिरता है, उसके पैसे वो हजम कर चुके हैं, उसके बाद दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो ऐसे निकृष्ट, ऐसे धूर्त बिल्डरों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और ये काम प्रशासन का है, ये काम सिस्टम का है कि वो उनको आइडेंटिफाई करें। मुझे नाम लेने की क्या ज़रूरत है, या आप, क्योंकि मैंने तो वहाँ प्रॉपर्टी ली नहीं, ना कभी बेची, मगर जो लोग उससे प्रभावित हैं वो खुल के सामने आएँ और सामने आकर के इन चीज़ों का पुरजोर विरोध करें, और ऐसे बिल्डरों के दफ्तरों में जा करके, उनके घरों में जा करके उनका घेराव करें, और पकड़ करके उनको थाने के अंदर बंद कराएं, ताकि उनको अकल आए, इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं बेचनी चाहिए। खरड़ में देख लीजिए, खरड़ में कई मकान गिर गए, बिल्डिंगें गिर गई, नई बनी हुई बिल्डिंग, आपने एक वीडियो देखा होगा बड़ा वायरल हो रहा था यूट्यूब में और इधर भी आपके व्हाट्सएप में भी, जिसमें एक नया मकान ढह गया। आप सोचिए क्या मटेरियल लगाया गया होगा, क्या वो रेत से ही बनाई जा रही है बिल्डिंगें, क्या उसमें सरिया सीमेंट नहीं लगाया जा रहा। मानता हूँ कि बारिश ज़्यादा हुई, मानता हूँ कि तूफान ज़्यादा आया, मानता हूँ कि ये एक अद्वितीय अकल्पनीय स्थिति थी, बट ऐसा तो नहीं कि पूरा शहर गिर गया हो। जिन लोगों ने अच्छी बिल्डिंगें बनाई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाईग्राउंड रोड पर देखिए, नॉर्मल फ्लैट्स बने हैं, अच्छे लोगों का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। त्रिशला के अंदर देखिए, एक बूंद पानी नहीं इकट्ठा हुआ। मैं बारिश के मौसम में देख रहा हूँ कि त्रिशला के MD साहब छतरी लेकर के एक एक पार्किंग में जा करके देख रहे हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, लिफ्ट के अंदर पानी तो नहीं गया है, संजीदगी से काम हो रहा है वहाँ पर। इसी प्रकार से और भी कई अच्छे बिल्डर्स हैं जहाँ इन चीज़ों की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन पैरेलली साथ में कुछ ऐसे मूर्ख किस्म के लोग भी हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे पैसा। सोचो जरा यार, जब बुढ़े हो जाओगे ना, जो इस तरह की प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं उनको मैं समझा रहा हूँ कि जब बुढ़े हो जाओगे तो दो रोटी भी डॉक्टर मना कर देगा खाने के लिए, दो चपाती, फिर भी तुम्हारा लालच नहीं ख़त्म हो रहा। क्यों हमारे देश में इस तरह के लोग
खुलेआम घूम रहे हैं, इनको सबको सलाखों के अंदर बंद होना चाहिए। और इसके लिए मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि जहाँ भी इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में जा करके प्रॉपर वे से कंप्लेन करें, कंप्लेन करके ऐसे बिल्डर्स को ठीक से नथ चढ़ाएं ताकि उनको समझ में आ जाए कि प्रॉपर्टी बेचिए, ज़मीनें बेचिए, रेत मत बेचो, क्योंकि रेत में बने हुए महल बगैर आंधी तूफान के भी ढह जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो में मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जब ये सब सीन देखा मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ, और सबसे ज़्यादा अफसोस इसलिए हुआ कि ये काम कोई टेररिस्ट नहीं कर रहे, ये काम कोई मिलिटेंट नहीं कर रहे, ये काम कोई डकैत नहीं कर रहे, ये काम कोई चोर नहीं कर रहे, ये काम पढ़े लिखे संभ्रांत समाज के लालची लोभी कुछ बिल्डर और कुछ प्रशासन में मिले हुए करप्ट भ्रष्ट अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा है, जिससे देश में और ख़ासतौर से हमारे पंजाब में हज़ारों लोगों के घरों का नुकसान हुआ। मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं जानता हूं कि जिसने भी ये वीडियो देखा है वो उस वीडियो को देख करके अगले वीडियो में बाद में स्विच होगा, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस तरह के वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को समझ आए। मरने के बाद एक लोटे में भेजा जाता है तुमको, लोटे में, वो भी कई बार भेजने वाला नहीं होता, किसी के थ्रू पार्सल से भेजना पड़ता है। इतना कुछ जानते हुए भी ये माया कहाँ लेके जानी है यार, ईमानदारी से काम करो, ज़रा सोचो, जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिला हुआ है सबको। मैंने जितना अपने जीवन में सोचा था मुझे उससे ज़्यादा मिला हुआ है, आपने जितना सोचा था आपको उससे ज़्यादा मिला हुआ है। कभी कभार जीवन में ऊंच नीच आती है, उसमें भी हमारे कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को देख करके लोग जागें और जाग करके इस तरह के अनर्गल काम करने वाले लोगों को सही स्थान तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।